देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देवस्थानम बोर्ड उत्तराखंड सरकार ने किया भंग, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया भंग, तीर्थ पुरोहित भंग करने की कर रहे थे मांग। जल्द ही कैबिनेट की बैठक होगी आयोजित, बैठक में देवस्थानम बोर्ड भंग करने को मिली मंजूरी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देवस्थानम बोर्ड उत्तराखंड सरकार ने किया भंग, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया भंग। स्वतंत्र देव सिंह का आजमगढ़ दौरा, आजमगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। रजत आच्छादित गर्भगृह का करेंगे लोकार्पण, महिला स्नानागार का करेंगे शिलान्यास, दुर्वासा धाम पर होगी विशाल जनसभा, भाजपा कार्यकर्ता स्वागत में जुटे। स्वतंत्र देव सिंह का आजमगढ़ दौरा, आजमगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रजत आच्छादित गर्भगृह का करेंगे लोकार्पण, महिला स्नानागार का करेंगे शिलान्यास, दुर्वासा धाम पर होगी विशाल जनसभा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन, महीने भर तक चलने वाला कार्यक्रम की समीक्षा होगी, आगामी रैलियों यात्राओं और मतदाता सूची पर होगी चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन, महीने भर तक चलने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा होगी, आगामी रैलियों यात्राओं और मतदाता सूची पर चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन, महीने भर तक चलने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा होगी, आगामी रैलियों यात्राओं और मतदाता सूची पर होगी चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन, महीने भर तक चलने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। बुलंदशहर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ा बजाकर किया स्वागत, भूड़ चौराहे पर केंद्रीय मंत्री का स्वागत, कार्यकर्ताओं ने किया फूलों से जोरदार स्वागत, ईरानी सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम में करेंगी शिरकत, अनूपशहर में होगा खेल स्पर्धा का समापन समारोह। बुलंदशहर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्वतंत्र देव सिंह का आजमगढ़ दौरा, आजमगढ़ से बड़ी खबर, रजत आच्छादित गर्भगृह का करेंगे लोकार्पण, महिला स्नानागार का करेंगे शिलान्यास, दुर्वासा धाम पर होगी विशाल जनसभा, भाजपा कार्यकर्ता स्वागत में जुटे। स्वतंत्र देव सिंह का आजमगढ़ दौरा, इस खबर पे मैसेज ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ कार्यक्रम है आज और कौन कौन सी सौगात देंगे? जैसा कि आपको बताया, आजमगढ़ में ऋषियों का काफी पुराना प्रसिद्ध मंदिर था, जिसको भव्य तरीके से कुछ इसमें सरकार से कुछ अनुमति इसमें शासन से कुछ पैसा पास हुआ था, जिसका आज वहाँ पे शिलान्यास किया जाएगा और महिलाओं के लिए स्नान गृह का भी उसमें लोकार्पण हुआ है, उसमें उसका भी शिलान्यास किया जाएगा और कार्यकर्ताओं को और छोटी सी जनसभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राकेश जुड़े थे आजमगढ़ से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा चुनाव संचालन समिति की बैठक आज, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में बैठक, बीजेपी मुख्यालय में 11 बजे से शुरू होगी बैठक, मुख्यमंत्री योगी बैठक में होंगे शामिल, चुनाव संचालन से संबंधित कामों की समीक्षा होगी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा चुनाव संचालन समिति की बैठक आज, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में बैठक, बीजेपी मुख्यालय में 11 बजे से शुरू होगी बैठक।